हाँ, अगर आप इंडिया से बाहर बैंकॉक और थाईलैंड जैसी जगह पर जाकर मसाज का लुत्फ उठाना चाहते हो तो बिल्कुल उठा सकते हो बिना किसी रिस्क के, क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा नहीं कि पहली बार कोई नंगा शरीर देख रहे हो अपनी आंखों के सामने। उनके लिए चीजें कॉमन है। हाँ, जरूर पहली बार किसी के सामने नंगे हो रहे हो, लेकिन वो हर दूसरे तीसरे क्लाइंट को इसी हालातों में देखते हैं पड़े हुए और वो उन्हें मसाज देते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे आप आराम से जाके रिस्क ले सकते हो। दुनिया के लोग अपना पैसे कमा के वहीं उड़ाते हैं, मजे लेते हैं मसाज के, तो कोई भुखमरी नहीं छाई हुई है वहां पे, कोई ना आपको वायरल शायरल करने वाला। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इरोटिक सेशन होता है जिसमें दो लोग कंप्लीटली न्यूड होते हैं। इनफैक्ट उनके जो ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वो एक दूसरे से रब करते हैं। पीनस जो है वजाइनल वॉल से रब करते हैं, घर्षण करते हैं, लेकिन वहां पे पेनिट्रेशन नहीं होता। इस चीज की पूरी सावधानी बरती जाती है। मल्टीपल ऑर्गेजम वो फील करते हैं, इंजॉय करते हैं और मेंटली रिलैक्सेशन फील करते हैं। अब आप बोलेंगे इस लेवल पे जाके कोई सेक्स ना करे, ये कैसे पॉसिबल है? अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अपने पार्टनर को सेंसुअल मसाज दी जाती है, किस तरीके से आप अपने पार्टनर को सेंसुअल मसाज दे सकते हैं। उसी के कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे कमेंट किया कि नूरू मसाज के बारे में भी बताइए। तो मैंने सोचा कि आज चलो आपको नूरू मसाज के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दी जाए, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ये कैसे की जाती है। नूरू मसाज को लेकर ज्यादातर लोगों में ये मिथ भी होता है कि इसमें सेक्स इन्वॉल्व होता है, तो इस बात की भी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि इसमें सेक्स होता है या नहीं होता है। नूरू मसाज एक इरोटिक मसाज है जो कि जापान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। धीरे धीरे ये देश विदेश में भी पॉपुलर होता चला गया, लेकिन इसकी जो जन्मभूमि है वो जापान ही है। इस मसाज में ऑयल का यूज नहीं किया जाता, बल्कि जेल का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी मसाज दी जाती है। जो सर्विस दे रहा होता है और जो कस्टमर होता है, वो दोनों ही आपस में बिल्कुल न्यूड होते हैं, कपड़े दोनों के उतरे हुए होते हैं। ऑयल से रब करके पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ जेल का यूज किया जाता है ताकि बॉडी और ज्यादा स्लिपरी हो और वो एक दूसरे को बॉडी से बॉडी रब करते हुए, स्लाइड करते हुए मसाज दे सके। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इरोटिक सेशन होता है जिसमें दो लोग कंप्लीटली न्यूड होते हैं। इनफैक्ट उनके जो ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वो एक दूसरे से रब करते हैं। पीनस जो है वजाइनल वॉल से रब करते हैं, घर्षण करते हैं, लेकिन वहां पे पेनिट्रेशन नहीं होता। इस चीज की पूरी सावधानी बरती जाती है। मल्टीपल ऑर्गेजम वो फील करते हैं, इंजॉय करते हैं और मेंटली रिलैक्सेशन फील करते हैं। अब आप बोलेंगे इस लेवल पे जाके कोई सेक्स ना करे, ये कैसे पॉसिबल है? भाई वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसी चीज की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे चीजों को कंट्रोल करना है और विदाउट पेनिट्रेशन आपको उसे मसाज देनी है ऑर्गन टू ऑर्गन। वो कोई जिगोलो सर्विस के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो मसाज थेरेपिस्ट होते हैं और उसी में उनकी एक्सपर्टीज होती है। लेकिन फिर भी सामने से अगर कोई अपनी इच्छा जाहिर करे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर बात बन जाए दोनों के बीच में तो वो आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह का जेल इस नूरू मसाज में यूज किया जाता है वो काफी स्लिपरी होता है, ताकि जब बॉडी दो लोगों की एक दूसरे के संपर्क में आए तो ज्यादा घर्षण करने में मेहनत ना करनी पड़े, वो लगते एकदम स्लिप हो, रब करे तो दिक्कत ना आए, बहुत ही स्मूथ वे में सारे एक्शन हो। बॉडी अगर पूरी तरह से लुब्रिकेटेड नहीं होगी तो स्लिपरी मूवमेंट होगी ही नहीं, और जो B2B मसाज है ये ढंग से नहीं हो पाएगी। नूरू मसाज के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? मसाज चाहे कोई भी हो, मैं नूरू मसाज की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी, दुनिया की कोई भी मसाज, उसका एक कॉमन बेनिफिट तो यही होता है कि आपकी टेंशन रिलीज होती है, आप तनाव मुक्त खुद को महसूस करते हैं, आप मेंटल और फिजिकल लेवल पर रिलैक्सेशन महसूस करते हैं। ये तो एक कॉमन बेनिफिट होता ही होता है, लेकिन नूरू मसाज में ये वाला बेनिफिट आपको कुछ ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी रब हो रही होती है आपस में, मतलब एक कनेक्शन होता है बॉडी का बॉडी से, दो लोगों की पॉजिटिव एनर्जी का आपस में लेन देन होता है, वो पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर होती है, बॉडी में एंड्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि अपने आप में ही पेन किलर है, वो भी नेचुरल। नूरू मसाज आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे इंक्रीज करता है और आपके जो मसल्स टिश्यू होते हैं उसमें स्ट्रेचिबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा बेनिफिट इसका क्या होता है कि जो इतनी इरोटिक मसाज जो आपको दी जा रही होती है, ये आपके लिबिडो को नेचुरल तरीके से बढ़ाने का काम करती है। वो मेल फीमेल जो अपनी लो लिबिडो को लेके खासा चिंता में रहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है उनके अंदर अपनी सेक्सुअल डिजायर में कमी आ चुकी है, जिनको अराउजल इश्यू रहते हैं,
जल्दी से एक्साइटमेंट पैदा नहीं होती, सेंसिटिविटी इशू रहते हैं, सेंसुअलिटी महसूस नहीं होती। उनकी यौन इच्छा को इम्प्रूव करने में नेचुरल तरीके से मददगार साबित हो सकती है, यही नूरू मसाज। तीसरा बेनिफिट, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बेटर करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, ब्रेन फंक्शन आपके इम्प्रूव करती है, तो इसका दोनों का प्रभाव आपके इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है और वो आपका इम्प्रूव होता चला जाता है। अगर डिप्रेशन की समस्या से कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो उसके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी नूरू मसाज काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये मसाज ना केवल आपके बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करती है बल्कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का भी काम करती है। अब ये मसाज सेंटर अवेलेबल कहाँ है इंडिया में? तो बड़े दुख की बात है कि इसका जो मसाज सेंटर है इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि हमारे यहाँ पे नूरू मसाज होती है तो वो फेक है। अभी इंडिया में नूरू मसाज नहीं होती है। किसी भी मेट्रो सिटी में आपको ये जो नूरू मसाज का जो पार्लर है ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, छुप छुपा कर चलते हो, हम सर्विस देते हैं तो आप अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हो। नॉर्मल मसाज पार्लर में अगर आप जाओगे, अगर आप जाते हो रूटीन में, तो वहाँ ट्राई करके देख लेना चाहिए कि मुझे नूरू मसाज लेनी है, वहाँ पे नूरू मसाज का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, आप जाके खुद भी पूछ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि नूरू मसाज में हमेशा जेल का यूज होता है और वो जेल बहुत ही डिफरेंट होता है, तो वो स्पेशल काइंड ऑफ जेल यूज किए जाते हैं जो मुझे नहीं लगता अभी इंडिया में अवेलेबल है। हाँ, जापान में और अदर कंट्रीज में नूरू मसाज काफी फेमस है, अभी इंडिया में सेंटर ओपन नहीं है। इनफैक्ट मैं यही कहूंगी, मसाज पार्लर वाला जो सिस्टम है ना, ये सेफ है ही नहीं, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप कहाँ कब वायरल हो जाएं, किन हालातों में वायरल हो जाएं, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। तो अगर कोई जाए पार्लर में अपना हैप्पी एंडिंग का लुत्फ उठाना चाहे तो अपने रिस्क पर ही जाए। अच्छे से अच्छे लोग एक ही चीज करते हैं कि पता है अपनी सिक्योरिटी सब अपने ही हाथ में, बाकी सब लोग मजा लेते रह जाएंगे। तो वो बस थेरेपिस्ट को अपने जगह पर बुलाते हैं, फिर वो चाहे उनका घर हो या उनके प्लेस बुक किया हो, और वहां पे वो थेरेपी पी लेते हैं, हैप्पी एंडिंग भी करवाते हैं अपने हिसाब से अपनी हर चीज, लेकिन सिक्योर रहते हैं। हाँ, अगर आप इंडिया से बाहर बैंकॉक और थाईलैंड जैसी जगह पर जाकर मसाज का लुत्फ उठाना चाहते हो तो बिल्कुल उठा सकते हो बिना किसी रिस्क के, क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा नहीं कि पहली बार कोई नंगा शरीर देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, उनके लिए चीजें कॉमन है। हाँ, जरूर पहली बार किसी के सामने नंगे हो रहे हो, लेकिन वो हर दूसरे तीसरे क्लाइंट को इसी हालातों में देखते हैं पड़े हुए और वो उन्हें मसाज देते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे आप आराम से जाके रिस्क ले सकते हो। दुनिया के लोग अपना पैसे कमा के वहीं उड़ाते हैं, मजे लेते हैं मसाज के, तो कोई भुखमरी नहीं छाई हुई है वहां पे, कोई ना आपको वायरल शायरल करने वाला। ये जो चीजें होती है ना, थोड़ा सा रिस्की होती है, इसमें अगर आपको फन लेना है और रिस्क कम रहे तो यहाँ से आपको तंदुरुस्त बनना पड़ेगा, शार्प बनना पड़ेगा, तो क्यों उसके प्लेस पे जाए, उसे यहाँ बुलाए। फिर भी मैं यही कहूंगी कि इंडिया में नूरू मसाज सेंटर कहाँ अवेलेबल है नहीं पता, है भी या नहीं कोई गारंटी नहीं है, फेक भी हो सकता है। हाँ, आपने इन्फॉर्मेशन बोली थी मुझे नूरू मसाज के ऊपर देने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दे दी है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।